नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर आज की खास खबर। पूरे बिहार में नोवेल कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिवान के हसनपुरा प्रखंड में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जो प्रभुजन कल्याण सेवा सदन के तत्वावधान में निकाला गया, जो हसनपुरा बस स्टैंड, हसनपुरा बड़ी बाजार, आरंडा गोला बाजार होते हुए उसरी बाजार तक किया गया, जहां लोगों के बीच साबुन, सैनिटरी मास्क और जागरूकता हैंडबिल का वितरण कर कोरोना के बचाव के उपाय बताया गया। वहीं वीडियो दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस संक्रमित रोग से बचने के लिए अपने शरीर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। वहीं थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि अफवाह पर ध्यान न दें और खुद को साफ सफाई रखें और दूसरों को भी स्वच्छ रखने की सलाह दें। साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार ने लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए साफ सफाई पर ध्यान देने को कही। वहीं हसनपुरा के टारगेट जिम के युवाओं ने इस मिशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। साथ ही टारगेट जिम के संचालक ने बताया कि इस जागरूकता अभियान के तहत हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आगे भी इस तरह के मुहिम में लगे रहेंगे। तो वो सब जागरूक करने का है कि डरने का नहीं है, सावधान रहने का है, साफ सफाई का ध्यान रखिए। जो भी बाहर से लोग आए, अगर किसी तरह का शंका हो, सस्पेक्ट हो कि ये है हमारे में, तो आप जाँच कराएं। बहुत सारे जैसे मामले में आए हैं कि लोग जांच कराने से भी कतरा रहे हैं, तो जांच कराने से और समस्या बढ़ेगी। तो जांच कराएं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही है, मौसम चेंज के कारण सर्दी जुकाम ये तो आम बीमारी है, तो उसको सब लोग कोरोना से ना जोड़ें, लेकिन जांच कराएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन डरें नहीं। और ये जो भी प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन को लें, सब ठीक है। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोग अवेयर करने के लिए, ताकि एक्चुअली क्या है कि बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे लोगों में डर पैदा हुआ है, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई बहुत बड़ी बीमारी आ गई हमारे इंडिया में। तो हमें बस ये जागरूक करना है कि बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ये महामारी का रूप तो ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है लोगों के दिलों में। तो हमें उस चीज़ को निकालना है, हमें बस अवेयर करना है कि इससे लोग बचे, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो अपने हाथों को वॉश करना होगा, चाहे साबुन हो या सैनिटाइज़र हो, इसे करना है। जैसा आप जानते हैं, खांसते समय, छींकते समय हमें अपना रुमाल का इस्तेमाल करना है, मास्क इस्तेमाल करना है। ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाना जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय यही पाया जा रहा है कि लोग हाइजीन बरतें, साफ़ सुथरा रहें, और जो पुरानी पद्धतियाँ हैं जिसके विषय में पहले से लोग बताते हैं कि खांसते छींकते वक्त जो है रुमाल का उपयोग करना चाहिए, साफ रहें और अन्य लोगों को भी साफ रखें, और किसी तरह की आशंका हो तो तुरंत जांच कराएं। और बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार भी प्रयासरत है और हर स्तर से जागरूकता फैलाएगी। वायरस डिजीज़ ये एक कॉन्टेजियस है, मतलब ये एरोबिक नहीं, हवा में ये वायरस नहीं फैलता है, ये मतलब टच करने से एक दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है। तो इसमें अगर किसी को खांसी सर्दी माइल्ड हो जाती है तो वो घबराना नहीं है कि भाई हमको जो है कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना वायरस का जो है टेस्ट होता है, और ये जो सर्दी खांसी, अगर सर्दी जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा अगर किसी को भी आप देखते हैं कि उसको सर्दी यानी बहुत ज़्यादा छींक रहा है वो या खांस रहा है, तो उसको कहना है कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क जो पहनते हैं वो जिनको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको, दूसरों को बचाने के लिए उनको पहनना है। कि बाहर से आप घर के अंदर आइए, पहला काम कीजिए कि हाथ धोइए, हाथ धोइए, अच्छी तरह से धोना है साबुन से या सैनिटाइजर से जो है उसको, और उसके बाद ही कुछ काम कीजिए। हमारे टारगेट जिम के युवाओं ने ये कदम उठाया है कि जो भी संक्रमण तरह की बीमारी जो फैली हुई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का मेरा काफ़ी प्रयास है, जिसे हर कदम पर हमारे रियाज और भी युवा लोग जो हैं, मनोज भाई जैसे हैं, इस संस्था को लेकर के बहुत अच्छा कदम उठाया। बाज़ारों में बहुत जैसे कि मास्क, साबुन व अन्य सामग्री का वितरण किया।